देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली देश की नई विजेता लोहनी ने हमारे साथ है। लोहनी ने बहुत शुभकामनाएं है। मैच हारा है, दिल जीता है, मेडल जीता है। थैंक यू। मैं आज मेडल मिला यहाँ पे इसलिए तो खुश हूँ, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ा दुखी भी हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम में और भी मेडल लेके इंडिया का नाम रोशन करूँ। आज तुर्की के साथ मैच था, पहले मैच बहुत इजीली जीते मगर आज बहुत मुश्किल हुआ, मगर फाइट तो हो गई बहुत बढ़िया। हाँ जी, जैसे मेरा आज का ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग थी तो फिर मैं उसके लिए स्ट्रेटजी बनाया था कैसे खेलना है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया, तो उसके लिए तो हाँ थोड़ा ख़राब लग रहा है। आपके लिए गांव में खास एक सड़क बनाई है, अब नई सड़क पे जाएंगी आप। हाँ जी, अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत दिन घर नहीं गया, तो एक साल ही होने वाला है, तो अभी नया रास्ते से घर जाऊंगी तो बिल्कुल अच्छा ही है, एक्साइटेड हूँ। आपकी दो सिस्टर थी वो किक बॉक्सिंग करती थी, आज आपने एक बड़ी मुकाम हासिल किया है, क्या संदेश देंगे भारतीय खिलाड़ी को? भारतीय खिलाड़ी को संदेश तो हम अगर कुछ चीज़ सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो बिल्कुल कर पाते हैं और हर कोई कर सकता है, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, खुद पे विश्वास रखना चाहिए। और आपके कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड चाहिए, उसके बारे में? हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना है, संध्या गुरुंग मैडम को, क्योंकि आज तक एक वोमेन को हमारे बॉक्सिंग में नहीं मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिले, वो डिजर्व करता है। भारत ने आज बॉक्सिंग में इतिहास रचा है और उसके कोच कुमार साहब हमारे साथ है, मेरे पास ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है एज अ कोच। जी बिल्कुल, एज ए कोच तो सभी को गर्व है कि हमने एक बॉक्सिंग में मेडल जीता है, लेकिन उम्मीद आज हम लोग यही कर रहे थे सारे, हम फाइनल तक जाएंगे और ब्रॉन्ज का कलर चेंज करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम लोग खुश है, सारे सारे बॉक्सिंग फैमिली खुश है कि हमारे बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल आया। लगातार दूसरी वुमेन्स ने मेडल जीता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो देखा जाए तो अच्छा है, हमारा मैरी का भी आप देखेंगे बहुत टफ बाउट 3-2 रहा, पूजा ने भी बहुत कोशिश किया, सिमरन ने भी कोशिश किया, तो ठीक है, एक्सपीरियंस कम है, ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स खेल रहे हैं और उस हिसाब से हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल रहा है, बहुत अच्छा है। आज हमने मेडल जीता है मगर मैच हारी है, मगर मेडल जीता है, दिल जीता है। बिल्कुल, मैच हारा है, मेडल जीता है, ये कंफर्म हो गया था पहले कि हम सेमीफाइनल में है, ब्रॉन्ज तो है हमारा, लेकिन उसका कलर कैसे चेंज करें, क्योंकि पहले भी एक वुमेन में ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो हमारा टारगेट यही था कि इसको और ऊपर हम लेवल लेके जाए, लेकिन नहीं हो पाया, कोशिश रहेगी कि आगे और अच्छा करें। आज ये तुर्की का मैच था, कैसा था? तुर्की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्सर थी, पावर पंचेस थे उसके, वर्ल्ड रैंकिंग 1 है, वर्ल्ड चैम्पियन है करेंट का, तो उसके साथ खेलना बहुत टफ था, लेकिन लवलीना ने बहुत कोशिश किया और हम लोगों ने स्ट्रेटेजी भी बनाई थी, लेकिन वो स्ट्रेटेजी ठीक काम नहीं कर पाई। फिर लवलीना को हम लोगों ने जिस टाइम बाउट होनी है 4 दिन से उसी टाइम पे ट्रेनिंग करवा रहे थे, एज ए कोच हम लोग बॉक्सर बन करके उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे कि ऐसे ऐसे आपको खेलना है। बहरहाल हमारा एक ब्रॉन्ज रहा, हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी।